नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग न्यूज, मैं प्रतिमा पांडे आपके साथ। कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मौत कब और किस रूप में आएगी इसका कोई भरोसा नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ रीवा के एक नौजवान शख्स के साथ, जो 20 अक्टूबर की एक साधारण सी शाम रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर हंसी मजाक करते हुए अचानक एक नौजवान की जान चली जाती है। यह घटना जितनी दुखद है उतनी ही हैरान करने वाली भी है। प्रकाश सिंह बघेल, जो रीवा के बजरंग नगर के निवासी थे, अपने दोस्तों के साथ सिरमौर चौराहे पर एक दुकान के अंदर बैठे थे। वहां वे सब बातचीत में मग्न थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र, किसी अनहोनी घटना से पूरी तरह से अनजान। जो इस घटना को और भी चौंकाने वाली बनाती है वह है इसका सीसीटीवी वीडियो, लाइव सीसीटीवी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रकाश सिंह बघेल अचानक बात करते करते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके दोस्तों को पहले कुछ समझ नहीं आया, सभी ने उन्हें उठाने की कोशिश की, पानी पिलाकर होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रकाश सिंह बघेल के प्राण उसी वक्त निकल चुके थे। घटना के बाद उनके दोस्तों ने तुरंत प्रकाश सिंह को अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने उनकी जांच की और बताया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। यह बात किसी को भी यकीन नहीं हो रही थी कि कुछ पल पहले जो शख्स हंस बोल रहा था वह इस दुनिया में नहीं रहा। प्रकाश का इस तरह से अचानक चले जाना सभी के लिए एक बड़ा सदमा था। प्रकाश सिंह बघेल रीवा शहर के एक प्रतिष्ठित युवा व्यापारी विनय सिंह बघेल के भाई थे। वे खुशमिजाज जिंदगी को जीने वाले इंसान थे। उनके करीबी बताते हैं कि प्रकाश हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते रहते थे। कोई नहीं सोच सकता था कि एक पल में उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिंदगी की नाजुकता का एहसास नहीं कर पाते। प्रकाश सिंह बघेल की यह अनहोनी मौत एक बड़ी सीख है कि हमें हर पल को संजीदगी से जीना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। यह घटना सामने आने के बाद प्रकाश सिंह की मौत का लाइव सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कुछ ही पलों में एक हंसता खेलता इंसान बेसुध होकर गिर जाता है और फिर कभी नहीं उठता। इस वीडियो में लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है और सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सच्चाई यही है कि मौत का कोई निश्चित समय या स्थान नहीं होता, यह किसी को भी कभी किसी भी रूप में आ सकती है। प्रकाश सिंह बघेल की अचानक मौत ने उनके परिवार और दोस्तों को सदमे में डाल दिया है। उनके जाने से उनके परिवार और दोस्तों का दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस घटना ने हमें एक बार फिर से याद दिला दिया है कि जिंदगी बेहद अनमोल है और हम सभी को अपने परिवार और दोस्तों और अपनों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं और हर पल को पूरी तरह से जिए। प्रकाश सिंह बघेल की यह दुखद मौत हमें जिंदगी की नाजुकता का एहसास कराती है। आपके क्या विचार हैं इस घटना को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें खबरों में, लगातार फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।